उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की वोटिंग से पहले हो गया बड़ा खेला, चौंकिए मत। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सूत्रों का कहना है कि करीब एक दर्जन विधायक सपा से बगावत करने का विचार कर रहे हैं। इस वजह से पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधायकों की नाराजगी अब पार्टी के लिए मुसीबत बनने जा रही है। पार्टी के विधायकों के नाराजगी की लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है। विधायकों की नाराजगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी ओर अब सवाल उठने लगा है कि क्या अगर विधायकों की नाराजगी और बढ़ी तो वोटिंग से पहले ही चुनाव का खेल खत्म हो जाएगा। दरअसल सूत्रों की माने तो पार्टी के करीब एक दर्जन विधायक सपा से बगावत करने का विचार कर रहे हैं। इस वजह से पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जबकि 3 विधायक कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं। ये सभी आगामी चुनाव में टिकट की उम्मीद को लेकर बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इनकी नाराजगी की वजह सपा के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन उम्मीदवारों ने बीते सप्ताह नामांकन किया तो उसके बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई। जया बच्चन और आलोक रंजन के नाम पर विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विधायकों की नाराजगी से राज्यसभा चुनाव के लिए सपा की चुनौती काफी बढ़ गई है। इस चुनाव में बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। उसके बाद अब वोटिंग होना तय है। एक राज्यसभा उम्मीदवार को चुनाव में जीतने के लिए 37 विधायकों का वोट चाहिए। अभी सपा और कांग्रेस गठबंधन के पास कुल 110 विधायक हैं। सपा के 3 उम्मीदवारों को जीतने के लिए 111 विधायकों का वोट चाहिए। अब अगर पार्टी विधायकों में नाराजगी जारी रहेगी तो सपा के पास कुल 100 विधायक भी नहीं जुट पाएंगे। ऐसी हालत में चुनाव की वोटिंग से पहले ही एक उम्मीदवार की हार तय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।